हाय एवरीवन, मेरा नाम है राज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज, जहाँ पर आज मैं आपको दिखाने वाला एक 1 BHK और एक 1 BHK प्लस टेरेस फ्लैट। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, प्राइस और एरिया भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बिल्कुल डीमार्ट का पास में ही है ये प्रॉपर्टी। और जी हाँ दोस्तों, बिल्डिंग से नीचे उतरते ही 2 से 3 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस में आपको ये डीमार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल हाईवे टच प्रॉपर्टी है। स्टेशन से 5 मिनट डिस्टेंस में प्रॉपर्टी। अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो आपको 5 मिनट लग जाएगा। अगर आप पैदल भी जाते हो कम से कम आपको 15 से 17 मिनट लग सकता है। प्रॉपर्टी का जो नाम है निर्वाणा प्रॉपर्टी का नाम है। इसी प्रोजेक्ट पर आज हम देखेंगे एक 1 BHK नॉर्मल और 1 BHK प्लस टेरेस फ्लैट। जो भी आपको पसंद आएगा डन करेंगे, तो बिना स्किप के आप पूरा वीडियो को देख लीजिए, कुछ भी कन्फ्यूजन आपका मन में नहीं रहेगा। अगेन करजत में यह प्रॉपर्टी। जिन्हें करजत के बारे में नहीं पता उन सभी को मैं बता देता हूँ, करजत जो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, स्टेट जो है महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, अगर मैं मुंबई के डिस्टेंस की बात करूँ तो कम से कम आपको 2 घंटा लग सकता है मुंबई के लिए, ठाणे के लिए 1.5 घंटा और कल्याण के लिए कम से कम आपको 1 घंटा लग सकता है। ये सीधा रोड आपको बदलापुर कल्याण की तरफ जा सकते हैं, यहाँ से आप सीधा मुंबई की तरफ भी जा सकते हो, या फिर आप पीछे की तरफ से न्यू बॉम्बे होते हुए भी आप मुंबई जा सकते हो। पनवेल के लिए कम से कम आपको 1/2 घंटा लग सकता है इस वाले प्रोजेक्ट से। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपका गेट स्टार्ट होगा। बिल्कुल हाईवे टच प्रॉपर्टी है। सामने की तरफ है आपका माउंटेन, देख लीजिए फ्रेंड्स। अगेन स्टेशन से 5 मिनट डिस्टेंस में है प्रॉपर्टी। हाईवे टच प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है। करजत का एक बिग साइज का यहाँ पर आपको टाउनशिप देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी सारे बिल्डिंग है बन चुका है और काफ़ी सारे बिल्डिंगों का काम अभी भी चालू है। आप देख लीजिए, यहाँ से आपका रोड स्टार्ट होता है। राइट लेफ्ट दोनों तरफ आपका सड़कें रहेंगे। सेंटर में आपको फूलों का झाड़ देखने के लिए मिल जाएगा, देख लीजिए फ्रेंड्स। आउटगोइंग इनकमिंग दोनों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरफ से आपको आने के लिए देख लीजिए, कुछ इस तरीके का सर्कल है यहाँ पर। एक तरफ आने के लिए, एक तरफ आपको जाने के लिए रोड दिए गए हैं बिग साइज का, देख लीजिए फ्रेंड्स। दोनों तरफ यहाँ पर आपको बिल्डिंग बनाकर दिए जाएंगे और सेंटर में आपका रोड रहेगा G+7 का। कुछ बिल्डिंग रेडी भी हो चुका है और कुछ बिल्डिंगों का काम अभी भी बाकी है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अभी FSI बढ़ चुका है, इसके कारण यहाँ पर आपको 10 माला और 12 माला का भी यहाँ पर बिल्डिंग बनाकर दिए जाएंगे। एक बिग साइज का टाउनशिप है ये करजत का, देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं फ्लैट का ऊपर। तो दोस्तों, आप मैं आ चुका हूँ फ्लैट का सामने। सामने की तरफ है हमारा लिविंग, ये रहा इसका पैसेज, देख लीजिए फ्रेंड्स। आज मैं शूट कर रहा हूँ 6th फ्लोर पे, ताकि आप सभी को बाहर का भी व्यू अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ। इस तरफ है स्टेयरकेस और ये रहा फ्रेंड्स आपका लिविंग। स्टार्टिंग 1 BHK में आपको 573 का मिल जाएगा, ये रहा इसका सीलिंग। एक बार आप लिविंग का साइज देख लीजिए। और इस तरफ है आपका पावर पॉइंट, जैसे आप एंट्री करेंगे राइट में आपका पावर पॉइंट रहेगा। लिविंग के सामने एक बालकनी 6x8 का विंडो रहेगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगेन 1 BHK में आपको 573 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है। एक बार मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, ये आपका बाहर का व्यू। एक बार हम लिविंग को यहाँ से देख लेते हैं। बात कर लेते हैं लोन, 90% तक लोन हो जाएगा, ओनली 10% आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। अगर मैं डाउन पेमेंट की बात करूँ तो 1 BHK के लिए कम से कम आपको 2 लाख का आसपास डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा आपका सिविल और इनकम, बैंक आपको कितना लोन देता है। ये रहा आपका किचन, एक बार आप किचन का साइज देख लीजिए। एल शेप में आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाकर दिए गए हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स। ये रहा इसका सीलिंग, फ्रंट वॉल में आपको टाइल्स लगा कर दिए गए हैं। एक पावर पॉइंट रहेगा आपका मिक्सर के लिए। ये रहा आपका प्लेटफॉर्म, ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म, स्टील का सिंक। पानी आपको यहाँ पर 24 आवर्स मिल जाएगा। वेंटिलेशन के लिए आपको 4x4 का विंडो दिया गया है। किचन का बाहर का व्यू रहेगा ये, देख लीजिए फ्रेंड्स। एक्वा गार्ड के लिए भी पॉइंट दिए गए हैं, ऊपर एक पावर पॉइंट, 4x4 का विंडो। इस तरफ एक वॉश बेसिन इस वाले कॉर्नर में, देख लीजिए। और ये रहा फ्रेंड्स आपका बाथरूम, बाथरूम यहाँ पर आपको कॉमन दिए गए हैं। वेस्टर्न रहेगा, पूरा वॉल टू वॉल टाइल्स रहेगा। गीजर के लिए भी पॉइंट है अंदर, ऊपर की तरफ शावर। और इस तरफ है आपका बेडरूम। इस वाले फ्लैट को देखने के बाद हम एक 1 BHK प्लस टेरेस फ्लैट भी देखेंगे। ये रहा आपका बेडरूम, एक बार आप बेडरूम का साइज देख लीजिए। ये आपका बेडरूम रहेगा,
ये रहा इसका सीलिंग, बेडरूम का सामने एक बालकनी 6x8 का विंडो, इसे आप छोटा सा टेरेस भी कह सकते हो। एंट्री करेंगे, लेफ्ट में आपका पावर पॉइंट रहेगा, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स आपका छोटा सा टेरेस, ये बेडरूम का बाहर का टेरेस रहेगा और ये आपका बाहर का व्यू देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका बाहर का व्यू रहेगा। ये सारे ओपन जगह में आपको यहाँ पर बिल्डिंग बनाकर दिए जाएंगे कुछ ही दिनों में। ये सारे जगह जो आप देख पा रहे हो ये सारे सेम डेवलपर्स का है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे G+7 और 10 माले का 12 माले का भी बनाकर दिए जाएंगे। अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है तो भी यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आपको रेडी में चाहिए यहाँ पर आपको रेडी में भी मिल जाएगा। तो इस बार हम यहाँ से देखते हुए बाहर की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं सेकंड नंबर फ्लैट, जो कि हमारा टेरेस फ्लैट है 1BHK+ टेरेस। ये रहा इसका डोर, ये रहा फ्रेंड्स आपका 1BHK+ टेरेस फ्लैट। ये रहा इसका मेन डोर देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका मेन डोर रहेगा। और सबसे पहले हमें मिल जाता है लिविंग, एक बार आप इस वाले फ्लैट का भी लिविंग का साइज देख लीजिए। इसमें आपको बेडरूम में बालकनी और टेरेस दोनों दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको लिविंग के सामने एक बालकनी रहेगा, 6x8 का विंडो रहेगा। ये रहा आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको 1BHK 2BHK रेडी बजेशन पे मिल जाएगा। और सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको रेडी बजेशन पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ लिविंग को, कुछ ऐसा शेप में रहेगा आपका लिविंग। ये रहा इसका सीलिंग, लंबा सा पैसेस, राइट में है आपका किचन, सेम डिज़ाइन रहेगा आपका किचन का देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर भी आपको एल शेप में प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपका ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म, स्टील का सिंक देख लीजिए फ्रेंड्स। 24 आवर्स पानी मिल जाएगा, एक्वा गार्ड के लिए आपको पॉइंट दिए गए हैं। सेम वेंटिलेशन के लिए 4x4 का विंडो, यहाँ पर एक पावर पॉइंट आपका मिक्सर के लिए, इस तरफ भी एक पावर पॉइंट है आपका फ्रिज के लिए, और इस तरफ है आपका बाथरूम जो कि वेस्टर्न रहेगा। यहाँ पर भी आपको कॉमन ही दिए गए हैं, सेम डिज़ाइन, पूरा वॉल टू वॉल टाइल्स, ऊपर की तरफ शावर, और इस तरफ है आपका बेडरूम। ये रहा यहाँ पर आपको बालकनी और टेरेस दोनों ही मिल जाएगा। ये रहा इसका सीलिंग, सामने की तरफ है आपका बालकनी, बैक साइड में आपका टेरेस रहेगा, उसे भी हम देख लेंगे। ये रहा आपका बालकनी और ये रहा आपका बाहर का व्यू, ये बेडरूम का बाहर का व्यू। एक बार हम यहाँ से बेडरूम को देख लेते हैं और सामने की तरफ है हमारा टेरेस। ये रहा ये आपका टेरेस रहेगा। एक बार मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, ये आपका टेरेस का बाहर का व्यू है। रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, OC भी मिल चुका है, काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए भी आ चुका है। एक बार मैं आपको टेरेस को यहाँ से दिखा देता हूँ। एक बार हम यहाँ से देखते हुए चलेंगे नीचे की तरफ और एक बार चिल्ड्रन प्ले एरिया को देख लेते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे कितने प्राइस में आपको यहाँ पर 1BHK फ्लैट मिल जाएगा। तो दोस्तों आप मैं आ चुका हूँ नीचे, सामने की तरफ है हमारा चिल्ड्रन प्ले एरिया। इसके अलावा इस वाले प्रोजेक्ट पर आपको एक बिग साइज़ का गार्डन भी दिए गए हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एक 2BHK फ्लैट के साथ में, क्योंकि इस वीडियो का बहुत ही बड़ा हो चुका है इसका लेंथ, इसकी वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एक 2BHK और एक गार्डन को। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके डिमांड। यहाँ पर आपको 1BHK फ्लैट 20 लाख विद रजिस्ट्रेशन में मिल जाएगा। एरिया जो रहेगा 573 का एरिया रहेगा। अगर आप 1BHK प्लस टेरेस फ्लैट देख रहे हो तो कम से कम आपको 24 लाख पे करना पड़ेगा विद रजिस्ट्रेशन के साथ में। एरिया जो रहेगा 691 का एरिया रहेगा। 2BHK में भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।